हाल ही में हुए सीएए और एनआरसी बिल को लेकर तनाव उपद्रव के बाद अमन शांति बहाली को लेकर जहां चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, वहीं तनाव और उपद्रव के बाद गृह विभाग ने चार अधिकारियों के तबादले मुख्यालय कर दिए। वहीं तबादले की खबर के बाद से ही यह मामला तुल पकड़ने लगा, जहां तबादले को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश जताया। वहीं मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण मंच ने दमोह नाका में मुख्यमंत्री कमलनाथ का विरोध करते हुए उनका पुतला जलाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने के बाद प्रगतिशील ब्राह्मण मंच के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। एक तरफ जहां उपद्रवकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, शहर की अमन शांति को खराब करने की कोशिशें की, वहीं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयम रखते हुए पूरी स्थिति को काबू में किया और किसी भी प्रकार का शहर में माहौल नहीं बिगड़ने दिया। वहीं सरकार को इस कार्य के लिए जहां पुलिस अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत एक विशेष समुदाय को लेकर यहां के मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर दबाव डाला गया और अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जो बेहद निंदनीय है, जिसके विरोध में पुतला दहन किया गया है। वहीं अगर 3 दिनों के अंदर सरकार तबादले को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया गया, पत्थर बरसाए गए और जिन अधिकारियों ने बड़े संयम के साथ स्थिति को नियंत्रण में लाए, एक मंत्री के दबाव पर और एक समुदाय विशेष के दबाव पर जिस तरह से उन 5 अधिकारियों का, जिनका अभिनंदन होना चाहिए था जबलपुर की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उन अधिकारियों का जिस तरह से अपमानित करके ट्रांसफर किया गया, और हम लोगों को मालूम है कौन मंत्री इसके पीछे है, जिसने कमलनाथ जी के ऊपर दबाव डलवा कर ये किया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आंदोलन नियमित चलेगा जब तक कि अधिकारियों को वापस नहीं लाया जाएगा। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।